नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं समझर न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का लुलु मॉल इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। ये मॉल बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि विवादों में घिर गया। दरअसल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लगातार कुछ न कुछ विवाद होता ही रहता है। जैसा कि मॉल के अंदर मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने नमाज अदा की, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता गया, मामला गर्मा गया है, जिसके बाद से हिंदू महासभा के सदस्यों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। इसके बाद मॉल के प्रबंधन ने हालांकि माफ़ी भी मांगी है और अज्ञात लोगों के प्रति जिन्होंने नमाज अदा की थी FIR भी दर्ज करवाई है। लेकिन उसके बाद हिंदू महासभा की तरफ से मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ पढ़ने का जो ऐलान किया गया था वो टाल दिया गया है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी अहम बात ये सामने आ रही है कि अब हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण इस बात को लेकर अड़ गई हैं कि मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ होकर ही रहेगा। अब लगातार मॉल के अंदर हंगामा होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हिंदू मुस्लिम के इस विवाद में ये मॉल जो है वो कब तक खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। लुलु ग्रुप के MD MA यूसुफ अली हैं, जो अरब के बड़े कारोबारी हैं। उद्घाटन के दो दिन बाद यानी 13 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इस पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम मॉल के नाम पर मस्जिद बनाई गई है। विवाद बढ़ते देख मॉल प्रबंधन ने सुशांत कोर्ट सिटी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी। मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा ने नमाज विवाद पर कहा, मॉल में से नमाज पढ़ने वाले हमारे कर्मचारी नहीं थे, हमने इसकी अच्छे से जांच भी करवा ली है। नमाज पढ़ने वाले लोगों की पहचान कराई जा रही है। मॉल में संगठित धार्मिक या प्रार्थना की अनुमति नहीं है, दोबारा ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ ही सुशांत गोल्ड सिटी थाने के इंस्पेक्टर जय सिंह ने कहा कि मॉल में एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है, हिंदू पक्ष से बात चल रही है। उनकी मांग पर FIR दर्ज हो चुकी है। यदि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया तो कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया।